ਸ਼੍ਰੀਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। हेलो, एक बार जोर से बोलेंगे, बोले सनिहाल, बोले सनिहाल। हरियाणा के ताऊ जी ने तो पूरी की पूरी सरकार की पोल पट्टी ही खोल दी। मैं यकीन मानो कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि जब तक इन्होंने सोचा, जब तक कि मैं अपने 70 साल का एक्सपीरियंस यहाँ स्टेज पे नहीं बोलूं, मैं हटने वाला नहीं हूँ। एक बार ताऊ जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमें ऐसे ही जवान चाहिए इस धरती के लिए, ऐसे ही किसान चाहिए जो यहाँ खड़े होकर अपने दर्द को बयान कर सके। शब्द चाहे उनके पास कम हो, लेकिन जज्बा बहुत था। तो ऐसे जज्बे को सलाम है, 100-100 बार सलाम है। और जो ये लोग कहते हैं कि यहाँ किसान नहीं बैठे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ आकर एक बार देखिए कि कौन से किसान बैठे हैं। मैं श्रेया कुमार दिल्ली से आई हूँ, और जो मेरी शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, इसी मंच से हुई थी। दोस्तों, लगभग 90 दिन हो गए लगातार सभी बोर्डरों पर जाती हूँ और अपने किसान भाइयों से कहती हूँ कि तुम डटे रहना, यहां से हटना नहीं, क्योंकि अगर ये सरकार जिद्दी है तो जिद तुड़वाना हमें भी आता है। और दिल्ली से हूं, आप ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि दिल्ली से हो और लगातार आती रही हो, लगातार आती रहूंगी, अपने घर भी वापस नहीं जाऊंगी। और जहां तक बात थी मेरी नौकरी की, तो नौकरी भी छोड़ के आ गई कि ऐसी नौकरी का क्या करूंगी जहां पर मेरे देश के कहां किसान शहादतें दे रहे हैं, इतने पैसों को क्या करूंगी। पेट ही तो भरना है, तो यहाँ पे लंगर बहुत है खाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं, 4 दिन मैं मध्य प्रदेश में भी बिताकर आई हूँ, वहां के किसानों का जज्बा देखते ही बन जाता है। वहां से बहुत सारा जनसैलाब उमड़ पड़ा है आप लोगों के साथ आने के लिए। आपको बता दूं कि ये पंजाब और हरियाणा की ही लड़ाई नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और अन्य राज्यों के साथ भी किसान आप लोगों से जुड़ गए हैं, और इसका सीधा सीधा असर अब खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा में पारित होने जा रहा है। दोस्तों, और दूसरी साथियों, दूसरी बात ये बता दूं कि किसानों को कह दिया गया है, जो भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा उसको हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। जो किसानों के साथ नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। जो किसानों के लिए नहीं बोल सकता, वो आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई भी संतरी हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी दलाल हो, कोई भी हो। जो किसानों का साथी नहीं, वो हमारा साथी नहीं। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पूरी की पूरी जनसंख्या जो हमारी मातृशक्ति है, वो ही आपके साथ है। भाइयों, तुम पीछे रहना, मातृशक्ति सबसे आगे आह्वान करेगी, क्योंकि पुरुषों को, किसान को, इस धरती के हर मानव को जन्म देने वाली मातृशक्ति सबसे आगे आएगी। उसमें आपने देखा है, चाहे हमारी यहाँ पे 80-80 साल की विधवाएं माएं बैठी हैं जिन्होंने अपने पुत्र खोए हैं, चाहे यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां आती है, मेरी जैसी तुम्हारी बहनें आती है, तो तुम सभी लोगों का हौसला हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जब सरकार चुप है, 300 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, तो उनको मैं ये चूड़ी देना चाहूंगी कि चूड़ी पहने और बैठ जाए अपने घरों में, क्योंकि कोई भी जन आंदोलन घर से शुरू नहीं होता, हर जन आंदोलन यहाँ पर इस तरह सड़कों पे, बॉर्डरों पे शुरू होता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि वो 2 मिनट का मौन भी अपनी संसद से किसानों के लिए नहीं रख सके, तो वो हमारे किस प्रकार के रक्षक है? रक्षक है वो आपके, वो भक्षक है, भ्रष्ट सरकार है, गुंगी सरकार है, बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। ऐसी सरकार का जल्द ही पतन होने वाला है, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और यहाँ पर जो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा ली जा रही ही। तो ऐसी सरकार को बार बार नमन है, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें अपनी सरकार में ऐसे लोग चाहिए जो हमारा दर्द सहन कर सके, जो देख सके कि जवान कितनी शहादतें दे रहे हैं, उन शहादतों में किसी भी एक नेता का एक पुत्र नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि यहाँ जो किसान शहादतें दे रहे हैं, वो तो घर में बैठ के भी हो जाती है। तो मैंने कहा था इसी मंच से, जेपी दलाल जी को बोला था कि अपने घर के 2 जवान दे के भेजे,
सिर्फ दो जवान देखे बेचे, शहादतें देखे कि कैसी होती है, तब जाके मैं बोलूंगी कि मेरे घर का ये हमारे राष्ट्र का मंत्री भी सजग है। क्योंकि जब तक मंत्रियों के बच्चे सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हमारे यहाँ के मंत्रियों के बच्चे जवानों को अपने घर के नौजवानों को जवान नहीं भेजेंगे, राजनेता नहीं चाहिए हमें राजनेता नहीं चाहिए, मंत्री का बेटे मंत्री नहीं चाहिए, जरा सेना में उनसे बोलो कि सेना में भर्ती कराए। ये हमें ये भी प्रस्ताव पारित कराएगा कि अपने घर से एक शहादत वोटर पे भी दे, ताकि उनके जवान उस समय लड़ खड़े जब उनके घर भी तिरंगे में लिपटा हो, उनका कोई बेटा कोई भाई कोई पति है और उनकी माए बहने और बेटियां मातम करे, उनके घर भी चूड़ियां फूटे, उनके घर भी रोष हो, तब वो जानेंगे कि शहादतें क्या होती है। तब भाइयों मेरे दोस्तों उनकी जवान लड़खड़ाएगी, उनकी जवान लड़खड़ाएगी, तब बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि मंत्री का बेटा मंत्री है, बॉलीवुड में बॉलीवुड का नेता अभिनेता जरूर बन जाता, लेकिन कोई भी किसान और कोई भी जवान नहीं बनता। दोस्तों आपको नमन है, ऐसे ही रहना और आप विश्वास कीजिए कि पूरा भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी आवाजें उठाई जा रही है। आपको शत-शत नमन है, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं बिकने देंगे, नहीं बिकने देंगे सत्ता के गलियारों में, यही डबे डटे रहना, यही बैठे रहना, हमें आपकी बहुत जरूरत है। जय हिंदुस्तान।